पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की लंबी बीमारी के बाद शनिवार दोपहर 2 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हुआ। सीएम त्रिवेंद्र रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई बड़े नेताओं ने भी अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया है। सीएम त्रिवेंद्र ने दिल्ली पहुंचकर अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश ने एक बड़ा नेता खो दिया। अरुण जेटली का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भाजपा मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार अरुण जेटली का आज किया जाना है। तो कल से ही लगातार भावभीनी श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था। लोग घर पहुंच रहे थे, जैसे इनका पार्थिव शरीर एम्स हॉस्पिटल से इनके घर लाया गया, लोगों का तांता भी यहां पर लगा रहा। लोग घर पहुंचे, सीएम त्रिवेंद्र रावत भी पहुंचे यहां पे, इनके साथ कई और मंत्री भी पहुंचे, भावभीनी श्रद्धांजलि देते नजर आए अरुण जेटली को। और आज अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम यात्रा निकाला जाएगा और इनका पार्थिव शरीर इनके घर से, इनके आवास से पार्टी मुख्यालय लाया जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए कुछ घंटों तक रखा जाएगा और फिर 1 से 1.5 बजे के करीब में अंतिम यात्रा पर चल पड़ेंगे अरुण जेटली और फिर पंचतत्व में विलीन होंगे। 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा अरुण जेटली का। 67 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे अरुण जेटली, लंबे वक्त से बीमार थे दरअसल, ट्रीटमेंट बीच बीच में चलता रहा, लेकिन इस बार जिंदगी ने मात दे दी इन्हें और मौत के आगोश में समा गए, जिंदगी समाप्त हुई। इनके जाने का गम हर किसी को है, अपूर्णीय क्षति है ये पार्टी के लिए भी, परिवार के लिए भी, कभी ना भर पाने वाली कमी है ये। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, स्पष्ट सोच थी, स्पष्ट दिशा थी जिस पर उनको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है। हजारों कार्यकर्ता उन्होंने खड़े किए जो पार्टी को लंबे समय तक मजबूती प्रदान करते रहेंगे। आज अरुण जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। उनके परिवार में उनकी जो पत्नी है वो भी आजकल कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं, बच्चे हैं, उनको ईश्वर इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। जेटली जी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, पूरा देश आज शोकाकुल है। और मुझे याद आता है कि जब हमारी सरकार उत्तराखंड में बनी और चार धाम यात्रा चालू हो रही थी, उस समय जेटली जी वित्त मंत्री थे, मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारे एटीएम में, हमारे बैंक्स में छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स चाहिए, तो उन्होंने तत्काल उस समय हमारी यात्रा की सफलता के लिए सारी करेंसी भिजवाई, स्मॉलर डिनोमिनेशन के नोट्स भिजवाए और यात्रा की शुभकामना हमें दी। ऐसे मूर्धन्य व्यक्ति जो बहुत ही लॉजिक के साथ बात करता था और सरकार का संकट मोचन था, हमारे देश के अगर संकट मोचन कोई रहे हैं तो माननीय जेटली जी रहे हैं। व्यक्तिगत मित्र और देश के पूर्व वित्त मंत्री और एक बहुत ही उच्च श्रेणी के विधिवेता श्री अरुण जेटली जी हैं। ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे समाज की, हमारे देश की और भारतीय जनता पार्टी की, और मैं समझता हूँ सारे राजनीतिक जगत की बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे लोगों की राजनीति में हमेशा आवश्यकता रहती है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। देश ने एक महान विचारक, महान नेता, अद्वितीय, अप्रतिम, अलौकिक प्रतिभा से युक्त एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके ऊपर पूरे देश को गौरव था, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव और पूरे देश की धरोहर के रूप में जिन्होंने देश की बहुत बड़ी सेवा की, ऐसे जेटली जी के वियोग से मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अत्यंत दुखी हूँ और राष्ट्र की एक अपूर्णीय क्षति हुई है। सिखाई और बताई, भारतीय राजनीति में भी लोगों को फॉलो करना चाहिए और क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी गहरी दिलचस्पी, तो उसमें भी लोगों को फॉलो करना चाहिए और लीगल फैकल्टी को खास तौर से जो चीजें उन्होंने बताई, अब तो उनके बताए रास्ते पे ही चल सकते हैं। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए,
फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।